ये जनता के बीच में एक संदेश देने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो समाजवादी सरकार ने पिछले अपने 5 साल में जो कार्यकाल किया है, ये जनता के बीच तक पहुंचाने के लिए ये साइकिल यात्रा है। जैसे कि आप ही आपकी साइकिल यात्रा मलनी से किस साइड हुई जाएगी? ये हमारी मलनी मार्केट से जिस नाम से विधानसभा है वहाँ से साइकिल यात्रा स्टार्ट होगी। ये छुंछा घाट होते हुए नौपड़वा बाजार और राउर बाबा होते हुए फिर ये दूसरे विधानसभा में ये साइकिल यात्रा चली जाएगी। लेकिन जहाँ तक ये मलनी विधानसभा में साइकिल यात्रा रहेगी वहाँ तक मैं नौजवान साथियों के साथ अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन का संदेश जन जन तक पहुंचाने का इस साइकिल यात्रियों के साथ मैं भी साइकिल चला के उनके साथ होता हूँ। जैसे कि आपने छुंछा की बात की, छुंछा से लाला बाजार तक आप कम वहाँ का रोड गड़बड़, अभी आप यहाँ से जब कंजा होते हुए निकलेंगे वहाँ का रोड की स्थिति? जैसे आपने जब मंडी विधानसभा में बहुत से वादे किए थे कि आने वाले रोडों में हम ऐसे करेंगे वैसे, तो आपने जनता के ऊपर आपका भरोसा है आपको बनाया, लेकिन इस बार अभी रोडों की कंडीडेट बहुत ज़्यादा खराब है उसकी कंडीशन। देखिए जब मैं बाई इलेक्शन जीता था तभी मैं मेरे पिताजी के डेथ होने के बाद जब मैं बाई इलेक्शन चुनाव जीता था तभी मैंने उस पर इस रोड के लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी। उस समय तत्कालीन मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या जी थे, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये रोड पूरा दुरुस्त है, इस पर बजट देने की आवश्यकता नहीं, और लेटर मेरे पास भी रखा है। अभी मैं कुछ दिन पहले मार्च के महीने मार्च अप्रैल या मई में जब सदन चल रहा था तो उस समय महामहिम राज्यपाल अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका मिला था, सदन में बोलने का मौका मिला था, तो आप मेरा चित्र देख भी सकते हैं। मैं सदन में इस सड़क की मांग उठाया और लगातार जितना हो सकता है PWD और PW मुख्यमंत्री जी को सबको मैंने बार बार चिट्ठी लिख रहा हूँ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल कागज पे ये दिखाती है और धरातल पे इनका कोई काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो भी जाता है सब वॉशिंग मशीन भाजपा है, सब साफ हो जाता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम कोई धरातल पे नहीं करें। मेरा अगर समाजवादी सरकार रही होती तो 6 महीने के अंदर ये रोड बन गई होती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आ गई जो धरातल पे कोई काम नहीं कर रही। आप इस प्रकार से आपकी तैयारी इंडिया गठबंधन इस बार तैयारी और जनता मन बना चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने वाली मशीन को यहाँ से जनता मन बना चुकी है, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है इस बार इंडिया गठबंधन में ऐसे में जब कल के अगर इंडिया पार्टी की तो उसमें पहले PM बनने के थोड़ा सा झमला ना खोल रहा है कि हाँ मैं बनूँ देखिए सबकी पार्टी उसमें 28-29 जितनी पार्टियाँ ऐसे में बवाल हो सके इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए इंडिया गठबंधन बना कि देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, इसलिए सभी लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को NDO के यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, फिर उस समय चुनाव जीतने के बाद तब तय हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें कोई ऐसा कोई है नहीं कुछ। एक लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन और NDO गठबंधन, अभी मोदी ने इंडिया का नाम बताया भारत के, इस पे आपकी क्या राय? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी डर चुके हैं, ये लोग तो सोच रहे हैं किसी तरह इंडिया न जीते, लेकिन अगर इंडिया ये भारत नाम रखेंगे तो बताइए कितनी जगह का नाम चेंज होगा हर जगह। अभी मैं आपके अखबार के माध्यम से मैं देख रहा था जो इंडिया गेट बना है तो क्या उसको भारत गेट रखेंगे? ये लोग कितनी जगह नाम चेंज करेंगे? नोटों पे इंडिया लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसका भी नाम चेंज करेंगे? ये केवल ढोकोसला है इन लोग का और जनता को गुमराह करने की इनकी बात है। ये इतना डर चुके हैं इंडिया गठबंधन से, इस बार इनको आना नहीं है, ये कुछ भी कर ले लेकिन इस बार ये आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं इंडिया के नाम से चेंज कर रहे हैं, कहीं इंडिया उनके मुंह पे ना चलेगी, कहें कि आपकी सबकी पार्टियां इंडिया की अच्छी पार्टी है, सोचे इंडिया मुंह ना ले बाकी भारत कर दे हर जगह। लेकिन आप देखिए संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इंडिया नाम है जरूर लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी इतना डर चुकी है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, आरक्षण खत्म कर दिया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात इन्होंने कही थी कहाँ दिया 2 करोड़ों को, ये रोजगार खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया, 6 साल हो गया उत्तर प्रदेश की मैं बात करो कोई भी वैकेंसी नहीं आई, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये वो कर रहे हैं तो एक जात विशेष के लोग को नियुक्ति कर रहे हैं, ये इतना डर चुके हैं ये इंडिया के नाम से, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं क्या करें क्या ना करें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। एक सवाल हो जैसे 2024 में बस लास्ट सवाल है, 2024 कौन कौन से मकसद होंगे जिसे आप लोग तैयारियां करेंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे 2024? सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जातिगत जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और रोजगार महंगाई
किसान, ये इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा होगा और हम लोग का सबसे बड़ी मांग है जातिगत जनगणना होगी तभी हम लोग को अपना हक मिलेगा। हम लोग मेन मुद्दा ये हम लोग लेके चलेंगे और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए गठबंधन बनाया है, पीडीए जो नाम दिया है, हम लोग बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक को एक साथ लेके चलेंगे, यही हम लोग का मेन मकसद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।